देखिए, हमको इस जिम्मेदारी से आप लोग मुक्त करिए। मैंने ये कहने के लिए ये आप लोगों की ये जनसभा, ये कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। आज जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसकी हम जिम्मेदारी ले सके और कह सके। हम जानते हैं, हम एक बार कहेंगे पूरा कुंडा, पूरा बाबागंज, पूरा प्रतापगढ़ आप आशीर्वाद से उसकी झोली भर दीजिएगा, लेकिन इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं। बेटा नारा में लगाओ, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हमारे कहने पे आप जिसको जिता देंगे वो कल आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा या नहीं। किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि वो विकास काम कराए, सुख दुख में, और खासतौर से 93 से जबकि आपके आशीर्वाद से मैदान में आए हैं, राजनीति की धारा बदल दी। मजदूर, गरीब, दबे कुचले गरीब, जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी आवाज लेकर के हम लोग आगे बढ़े। एक तरफ विकास के कार्य रिकॉर्ड बना रहे हैं तो एक तरफ जनप्रतिनिधि का सही अर्थ क्या होता है कि जनता के सुख दुख में खड़ा रहने वाला। और ये हमने स्वयं ही नहीं, जितने भी जनसत्ताधर परिवार के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विनोद हो, चाहे कुलदीप हो, चाहे उमाशंकर यादव हो, जो भी हो, डॉक्टर रोजा हो, दिन रात आप याद करें, एक पहले विधानसभा चुनाव होता रहा, एक पहले विधायक होते रहे, आप अनुरोध करते थे विधायक जी से, जनप्रतिनिधियों से कि साहब हमारे गांव आइए, मुख्य अतिथि बनिए, तब जाकर के कभी विधायक कभी सांसद के दर्शन हुआ करते थे। आज जनप्रतिनिधि आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आपके दरवाजे पे जाता है। डांड मेढ़ की पंचायत में आप लोगों का झगड़ा आगे न बढ़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर से आप बचे रहें। आप लोग इस आने वाले चुनाव में अपने मनमर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। अरे हम दोनों फिर हम कहते हैं, बस कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा, हमारा बात है जैसा चाहे जीता हुए। कल के दिन अगर वो आपके काम ना आए तो हम तो है ही नहीं, हम काम कर रहे हैं। जैसी कोई बात नहीं थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने, और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फ़ोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है, और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक हैं, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना है, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र हैं, वहां कर सकते हैं। सर, आज भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की है कौशाम्बी? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, और प्रत्याशी दोनों आए थे, और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर, अमित से भी मुलाकात हुई थी? बहुत बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही अच्छी। आपसे समर्थन भी मांगे होंगे सर? नहीं, अब वो जाने दीजिए, बंद कमरे में क्या बात हुई, जिस तरह लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं मुड़ जाएंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दे जिसको पसंद करें आप। नहीं, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी, पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए,
सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। सर आगे की रणनीति क्या होगी जनसत्ता दल? अब आगे जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो सांसद होगा। सर एक सवाल, सर राज्यसभा में जिस तरह से आपने बीजेपी कयास लगाए जा रहे थे कि कौशाम्बी सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहाँ नहीं बन पाई सर? देखिए पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी और कोई नखरे भी नहीं थे। होता है कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं। आपने पार्टी बनाई, आपने तुरंत चुनाव लोकसभा का लड़ा भी था और काफ़ी अच्छे अंतर भी दिखे थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? उसका कारण हमने बताया आपको। सर एक सवाल, नवंबर 18 में पार्टी बनने के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा, गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। सर एक सवाल और आखिरी बताइए, क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना, क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए हम जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं, आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज़ कहेंगे जो हमने मंच से कही, जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान। समर्थकों की भाव